बिहार सहित भागलपुर में मंगलवार को नहाए खाए के साथ चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। वहीं बरारी सीढ़ी गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी है। भागलपुर, बांका, मुंगेर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए यहां पहुंचे। श्रद्धालु गंगा जल लेकर कद्दू भात और छठ पूजा का प्रसाद तैयार करेंगे। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी प्रकार की परेशानी से बचाव के लिए SDRF के जवान, जिला प्रशासन और आपदा मित्र तैनात किए गए हैं। बाजार भागलपुर से आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। जो गंगा जल लेकर जा रहे हैं उसमें क्या हुआ, कैसे क्या है? ये जल आज कद्दू भात के अथी चावल धोया जाएगा, कद्दू धोया जाएगा सब, फिर खरना का प्रसाद धोया जाएगा, खरना का प्रसाद बनेगा। फिर उसके बाद पहली अर्घ के दिन फल उल सब, और उसी से खवौनी बनेगा, इसी जल से लड़ुआ खवौनी सब इसी जल से बनेगा। फल उल धोया जाएगा सब इसी फल इसी जल से धोया जाएगा। बहुत महत्व है आज की गंगा स्नान से, बहुत महत्व है, बहुत भरोसा है छठ मैया पर, तो बहुत भरोसा है। दीनानाथ सबको भला करे, सबकी रक्षा करे, गंगा माँ सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे मैया, यही प्रार्थना करते गंगा माँ से। सबको सुहागिन बनाए रखे, बाल बच्चा से भरा पूरा रखे परिवार, यही छठी मैया से प्रार्थना है। बरारी नहाने के लिए आए थे, जो जल लेके जा रहे हैं उसका क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बनाएगा, उसके बाद खाएगा, कल खरना होगा, परसों पहली अर्घ, उसके बाद पिछली अर्घ, बहुत नियम रहता है इसमें। छठी मैया पर कितना भरोसा है? भरोसा है तभी तो आदमी करता है, इतना लोग आता है करने के लिए। मैया को क्या कहिएगा, क्या मांगिएगा मैया? मैया से मांगेंगे सब बाल बच्चा अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, सुहाग बना रहे। लोक आस्था के महापर्व छठ में बांस से बने सूप का खास महत्व है। दरअसल यह पर्व भागलपुर और बिहार के अन्य हिस्सों में प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाता है। बांस के सूप और डाला को पवित्र माना जाता है और इसे बनाने का कार्य महादलित समुदाय के कारीगर पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। छठ की तैयारी के लिए ये कारीगर 2 महीने पहले से बांस से सूप और डाला बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी मेहनत और हुनर के बावजूद इन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इस बार भागलपुर में बाढ़ आने के समय पर बांस की खरीदारी नहीं हो पाई और जब कारीगरों ने बांस खरीदा तो उन्हें काफी महंगा मिला। इस काम में लगी महिलाओं का कहना है कि व्यापारी उन्हें उचित कीमत नहीं देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल है। छठ पर्व पर इन सूपों का इस्तेमाल सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के लिए किया जाता है, जो इस पर्व का महत्वपूर्ण अंग है। भागलपुर के हसनगंज में कई परिवार एक साथ सूप और डाला बनाकर अपनी आजीविका चलाने में जुटे हैं। छठ की शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ हो गई है और इस पर्व की रौनक समूचे बिहार में देखने को मिल रही है। 2 महीना पहले से सूप बना रहे हैं हम लोग और अभी तक पूर्ति नहीं हो रहा है। इस बार बाढ़ पीड़ित के कारण बांस उस आया नहीं, इसीलिए माल नहीं बना सके, बहुत महंगा इसीलिए कारण हुआ। 2 महीना पहले से बना रहे थे, इधर 3 महीना से बाढ़े ऊपर से माले नहीं आ रहा था। इस बार महंगा होने का कारण क्या है? इस बार 10-20 रुपया महंगा है। कारण वही बाढ़ पीड़ित ऊपर से माल नहीं आया, माल बनाया नहीं, वहाँ का कारीगर लोग पानी में डूब भस गया तो व्यस्त रहा, नहीं बना सका माल, इस कारण टाउन में माल पहुंचाने। भागलपुर के बड़ी मोहनपुर दियरा इलाके में छठ घाट की सफाई के दौरान हुए हादसे में 6 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। यह दुखद घटना एक ही परिवार को प्रभावित कर गई, जहां 15 वर्षीय मौसमी कुमारी जीतन कुमार और आशुतोष कुमार की डूबने से जान चली गई। बाकी 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
वहीं घटना की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब सफाई के दौरान एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में एक एक कर छह लोग डूब गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी मोहनपुर घाट खतरनाक है, फिर भी प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। इस घाट पर छठ पर्व के दौरान 5000 से अधिक लोग भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए आते हैं, लेकिन यहां सुरक्षा सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना यह हुआ कि छठ घाट पर बच्चे गए थे नहाने के लिए, चार बड़ी मोहनपुर दियरा चारी थाना क्षेत्र का, उसमें से डूबने लगा तो किस तरह एक बच्चा निकल गया, लेकिन तीन जो है कुछ सांसें चल रहा था, हॉस्पिटल लाया गया लेकिन डॉक्टर ने डॉक्टर। अब आगे की सर क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? आगे तो इनको रिक्वेस्ट करवा करके इनको भेजते हैं। सर इस घटना से सभी को सबक लेना चाहिए और घाट की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। पुलिस की तरफ से तो हम लोग अपना घाट पर चौकीदार से तकनीक कर दिए हैं, और लेकिन आम पब्लिक से यह गुजारिश है कि अपने बच्चे को नियंत्रण रखें, बच्चे को इधर उधर घूमने ना दें। घाट के कहाँ गहराई है, अभी हल्का बाढ़ आया हुआ था तो बाढ़ के कारण कहाँ मिट्टी कट गया है ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो बच्चों को नियंत्रण रखें। और छठ घाट तीन बच्चा भी आया है, जांच उपरांत पता चला कि लोग जांच किए तो तीनों मतलब खत्म हो गए, डेथ हो गया तीनों का, समझे, तो साइन ऑफ लाइफ नहीं पाया गया। और क्या कहा जब घटना हो गया मर गया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कुरमा पंचायत में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसे पुलिस की तत्परता से समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। मामला एक सड़क निर्माण का था जो छठ पर्व के मद्देनजर सरकारी योजना के तहत बन रही थी। वहीं निर्माण कार्य को एक समुदाय ने रोक दिया। उनका कहना था कि यह सड़क मस्जिद की जमीन पर बन रही है। इस घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत किया और निर्माण कार्य पुनः शुरू करा दिया। स्थानीय समुदाय का कहना था कि इस सड़क से धार्मिक आयोजनों के दौरान नारेबाजी और गीत संगीत होते हैं, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने में परेशानी होती है। वहीं रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि विवादित जमीन के दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसे अनबन हो गई थी, तो ये लोग इधर से जब गए थे तो यहाँ पे शोर शराबा करा था, जिसके वजह से आपस में यही शक था भाई आगे भी इस तरह का काम करेगा, इसलिए कि हम लोग जो है उस बात को सहमत हो जाए दोनों मिल करके, ताकि आगे आइंदा भी हम दोनों में आपस में झगड़ा ना हो, बस यही बात हुई थी और कोई बात नहीं। नहीं आने कर्म जो है स्टॉप था और अब राशि आ गया है, सिस्टम में था नहीं राशि, तो आया है राशि, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको बना दें। तो हम सोचे क्या कि छठ के उपलक्ष में अंदर में जो है हिंदू समाज के लोग सब हैं तो उनको जाने आने में सुविधा होगी, इसके लिए किया, लेकिन बीच में व्यवधान आ गया, मस्जिद के आगे का जमीन बोला गया कि पीर स्थान का है, इसी कारण से जरा सा व्यवधान था, उस व्यवधान को दूर कर लिया गया, दोनों पार्टी का समझौता हो गया, उसमें बीच में हम भी थे, बड़ा भी थे, तो सभी समाधान हो गया, अब पुनः स्टार्ट हो गया।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 12 नवंबर से प्रमोशन की लंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन पर जाने की घोषणा की है। शिक्षकों ने प्रेस वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रमोशन प्रक्रिया रोक दिए जाने के कारण वे नाराज हैं और अनशन पर बैठने का फैसला किया है। इसी बीच खेलो इंडिया अभियान के तहत विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम और मलवाड़ी कॉलेज महिला प्रभाग के उद्घाटन समारोह में कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर के आगमन को लेकर शिक्षकों में उत्साह है। अनशनकारी शिक्षक भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, हालांकि वे खाली पेट रहकर अपनी उपस्थिति देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी भी तरह से कार्यक्रम में व्यवधान डालने की नहीं है, बल्कि वे इसे भागलपुर के लिए एक सम्मान मानते हैं। शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी प्रमोशन संबंधी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं वो अपना आंदोलन अनशन कर रहे हैं। एज ए सीनियर मेंबर की हैसियत से हम उनके साथ भरपूर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। उनकी वाजिब मांगे हैं, उनका प्रमोशन होना चाहिए। कई वर्षों से ये मामला चला रहा है, आखिर प्रमोशन हो क्यों नहीं रहा है? बिहार के सभी विश्वविद्यालय में सभी का प्रमोशन हो गया है, सिर्फ तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ऐसा बिहार में है जो अभी तक मामला लंबित है। किस वजह से है, क्यों है और क्या चाहते हैं कुलपति महोदय, प्रमोशन रोक के मुझे समझ नहीं आता। हम इस आंदोलन में, इस आमरण अनशन में सारे शिक्षकों के साथ है, उनके सम्मान की बात है, इसलिए उनकी मांगे वही वाजिब हैं, इसलिए हम उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और आने वाले समय में जो 12 तारीख को जो इनका आमरण अनशन है उसमें भी मैं इनके साथ खा रहूंगा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में छठ घाट का निरीक्षण करते हुए नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी ने घाट पर कीचड़ और दलदल की स्थिति पर नाराजगी जताई है। नीलम देवी ने बताया कि छठ पूजा की तैयारी के लिए लगभग 5 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, लेकिन घाट की स्थिति को देखते हुए यह राशि उचित तरीके से उपयोग नहीं हो रही है। नीलम देवी ने कहा कि कीचड़ और दलदल के कारण छठ व्रती महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को सूचित किया गया है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक छठ घाट की स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा। यदि घाट की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 5 लाख रुपए के सम्मेलन पर रोक लगाने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मी और जमादार विनोद मल्लिक सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।